मनु बुला रही हूँ। तो अभी मनु, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी ये 100 एपिसोड्स की जर्नी कैसी रही? यार मेरी ये जर्नी अभी तक बहुत यादगार रही है। काफ़ी सारे कैरेक्टर मैंने प्ले किए इसके अंदर, तो मतलब मैं जब पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है यार मैंने ऐसा अपने मतलब अभिमन्यु को इस तरीके से ढाला और इस तरीके से परफॉर्म किया जो मतलब शायद मैंने सोचा नहीं था। इतना अच्छा राइटर्स ने लिखा और आप सबने उसे सपोर्ट दिया, तो मतलब आई एम सो हैप्पी। बाकी हमारी पूरी टीम हमारे साथ रहती है, पूरा क्रू कास्ट, हमारे डायरेक्टर, सब लोगों ने मिल करके ये शो बनाया। अभी तक जो भी जर्नी आप देखते आए हैं और आगे भी हम सब इतनी ही मेहनत करते रहेंगे, बस आप लोग हमें प्यार करते रहिए। पता है कोई लिख रहा है कि आपके पोस्ट लिख हमें बहुत अच्छा लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं सारे एपिसोड्स। थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमें बताते रहिए, क्योंकि अगर तुम बताएंगे तो हमें पता चलेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। जैसे हम हमेशा हमें प्यार करते रहते हैं, तो खूब सारा प्यार आप अपने कमेंट्स में हमें दीजिए। और बाकी तुम्हें कैसा लग रहा है सिमरन 100 एपिसोड? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो सुपर डुपर हैप्पी, मैं तो कब से वेट कर रही थी हमारे 100 एपिसोड का पूरे होने। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इट इज़ नॉट जस्ट अस, मेरा काम है कुछ करना, मैं चाहते हैं फैन कर लेते हैं। बदमाशी करके बोले जैसे बोलते हैं। क्या बात है, वाओ यार, ये मोमेंट वाओ वाला है। अच्छा मुझे बताओ अभी, यहाँ भी करो, ये घर ही है तुम्हारा, ये लोग प्यार करेंगे। दिखाओ, स्टार्ट होगी। हम कैसे करते हैं जब भी हम सुबह सुबह मिलते हैं, हम कैसे मिलते हैं, कैसे करते हैं? ऑडियंस जानना चाहती है कि नियति और अभिमन्यु मिलेंगे कब? मिलेंगे बहुत जल्दी, मिलेंगे ये पूरा का पूरा परिवार बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन अभी पूरा कर पाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा एंजॉय करो। अभी अलग किया है, अभी अलग किया है, पहली बार तो अलग हुए। अभी तक तो सारी लड़ाई जो चली थी वो तो मिलने की चली, मिलने की चली। तो अब एक्चुअली बिछड़ने की लड़ाई चली, अभी आई है ना, किसी आई है ना, ये मिलाएगी आप दोनों को, है ना? क्या बोलो ऐसे ही बात करते करते हम दोनों को मिलवा देगी। एक्चुअली क्या है ना कि वो मेरे दोस्त के चाचा के पापा के उनसे मिलने जाना है। दो मिनट हेलो।
पीछे आ जाइए, आप आ रहे हो क्या? क्या कहते हैं, पीछे आ जाइए। इन्हीं कॉर्नर को राइटर जबान से राइटर चॉकलेट केक के लास्ट ओके कर दिया। और केक जो है ना वो माचिस से अगर वहां पे दो कैंडल्स है तो यहां पे भी तो दो कैंडल्स है। चलो यस 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 चलिए भाई चलिए 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 आवाज बंद कर दीजिए। काम करो रविंद्र, काम कम है। अरे ऐसे कैसे सारा सीटी नाम नहीं है।
मेरे पहले जनता कर दे यार, जनता तो आराम हो जाए भैया। एक एक ग्रुप पिक्चर हो जाओ प्लीज सर, आ जाइए ना ग्रुप पिक्चर, ग्रुप पिक्चर, ग्रुप पिक्चर, प्लीज कैम ग्रुप पिक्चर, प्लीज कैम ग्रुप पिक्चर सर। दादा ये टेबल हटवाओ ना, मिठाई मुबारक हो। आप मिठाई खाने नहीं आए ना? पर आप मिठाई खा रही है सिर्फ आजकल, आज सिर्फ आजकल आप मिठाई खा रही है। इतना ज्यादा मीठा खाना भी ठीक नहीं होता है ना। आ जाइए आ जाइए दादा, मिठाई आ जाइए, नीचे से चलेगा, नीचे से आ जाइए, आ जाइए, चलेगा चलेगा, लेके जाइए, लेके जाइए, पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। अरे यार वैसे मार लिए होते वहीं साइड में करके, टेबल के चक्कर में बहुत टाइम जाएगा। सर थोड़ा सा पास में आ जाइए प्लीज। ओके रेडी, लुक एट ऑल ऑफ यू सेंटर। वन मोर, यहाँ पे, यहाँ पे। आ जाइए बाकी। ओके रेडी, सर थोड़ा सा, सर थोड़ा सा ये साइड अंदर आ जाइए ना आप भी। ओके ओके रेडी, लुक एट ऑल ऑफ यू सेंटर। मैम यहाँ पे ये ओके रेडी रेडी रेडी। सर आप ओवरलैप हो रही है थोड़ा सा ये साइड। ओके 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 रेडी सर, रेडी, थैंक यू। सो फर्स्टली कॉन्ग्रेट्स टू बोथ ऑफ यू। जानना चाहूंगी 100 एपिसोड कंप्लीट हो गया, क्या कुछ बताना चाहोगे आप लोग? यार बहुत अभी तक जर्नी जितनी भी रही हमारी बहुत कमाल की रही है। अभिमन्यु ने बहुत सारे किरदारों को निभाया और नियति ने वो सारे किरदारों को सहा, हाँ सहा। तो आप सबका प्यार हमें इतना सारा मिला, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी आप पोस्ट बनाते हैं, बहुत सारे काफ़ी सारे क्रिएटिव बनाते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे डालते हैं, और उससे पता लगता है कि आप हमें कितना प्यार करते हैं। तो ये जो हमारी 100 एपिसोड की जर्नी थी आप लोगों के साथ, ये बहुत कमाल की थी। आप किस तरह से इस जर्नी को देखती हैं? मैं तो कहती हूँ कि मैं सुपर 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 डुपर बहुत 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 खुश हूँ। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि हमारे 100 एपिसोड जल्दी से पूरे हों, और बस ये 100 के आगे 0000000 लगता जाए तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब तक की जर्नी अगेन बहुत अमेजिंग रही है, और इस सबका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑडियंस को जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्यार करती हमें, इतना थैंक यू सो मच ऑल आर फैंस, ऑल अगर तुम ना होते फैंस फॉर द लव एंड सपोर्ट। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से वन थिंग दैट ये शो आप लोग भले ही हम दोनों को ऑन स्क्रीन देखते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीपल हैं, लाइक जो जी टीम है, जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो हमारे कैमरा पर्सन है, द होल यूनिट, यू नो एवरीबडी वर्क सो हार्ड, और हमने इतनी मेहनत की है अब तक इस शो पे। और आपको हमारा शो अच्छा लगा है इसलिए हम 100 एपिसोड्स तक पहुँचे हैं। आप ऐसे ही हमारा शो देखते रहिए और ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए, और ऐसे ही हमारे आगे और एपिसोड होते जाएंगे। शो अच्छा जा रहा है, ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। जानना चाहूँगी अभी
तक का बेस्ट सीन क्या कुछ रहा है आप दोनों के? ये बहुत सारे, मैं सच बताऊँ ना कि ये जर्नी ऐसी है कि मैं ये नहीं कह सकता कि एक पर्टिकुलर सीन बहुत अच्छा है। आई थिंक सारे सीन ही बड़े कमाल के हैं, क्योंकि नॉर्मल शोज़ की तरह कोई भी स्टोरी एक लंबी नहीं खींची, कोई भी कहानी हर बार अलग किरदार अभिमन्यु को डाला अभी और नियति को उसमें उलझाया कि अब वो क्या करेगी, तो हर बार हर सीन मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। आई थिंक हम सबके लिए चैलेंजिंग रहा है। तो बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं कि मतलब अगर आप लोगों ने देखें तो आपको खुद को लगा होगा अरे यार ये क्या हो गया। जैसे मैं 7 साल का बच्चा जब मुझे अटैक आता है वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, माँ मुझे जहर पिलाती है वो अच्छा था, पहले एपिसोड में इमोशनल ब्रेकडाउन होके लूप में चला जाता है, खुद को ही हर्ट करता है, वो भी बहुत अच्छा था। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट है जिसमें पहली बार नियति से मिलता हूँ और फिर मुझे थप्पड़ मारती है, तो वो वाला, तो मतलब आई थिंक मेरे लिए सारे सीन बहुत कमाल के थे। और इस जर्नी में मैंने बहुत अच्छे दोस्त कमाए, बहुत अच्छे मेरे को जितने भी मेरे को एक्टर्स हैं, मेरी टीम है, डायरेक्शन से रिलेटेड ले लो आप चाहे सेटिंग स्पॉट, मतलब सब लोग ही मिल कर के मेहनत करते हैं एक जर्नी को एक जर्नी तक पहुंचाने के लिए। तो ये हमारा पहला पड़ाव है 100 एपिसोड जो हम पहुंचे हैं, ये जर्नी और आगे जाएगी और लंबी होने वाली है आप सबके साथ। पता है वो लाइक टू ऐड ऑन टू दैट, जब भी हमारे बारिश वाले सीन होते हैं ना, अभिनीति के जो बारिश वाले सीन होते हैं मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माय फर्स्ट एपिसोड जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था, और हमने उसमें पूरा मतलब जब मैं छतरी उतार रही हूँ ट्री में से और बारिश हो रही है, एंड ट्रस्ट मी गाइस वो रियल बारिश, हमारी नकली बारिश तो थी लेकिन साथ में रियल बारिश भी हो रही थी, तो वो वाले एंड प्लस आई थिंक शादी वाला सीक्वेंस और अभी नित्या आई है, तो मतलब बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस रहे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग रहे हैं प्ले करने के लिए और आप लोगों को देखने के लिए। यस, ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग तो बहुत ज़्यादा पसंद आ ही रही है, ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग के बारे में क्या कुछ बताइए अभी यार। ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी मेरे को लगता है कि जब तक अच्छी नहीं होगी तो ऑन स्क्रीन अच्छी कैसे होगी, तो जो आप ऑन स्क्रीन देखते हैं वो ऑफ स्क्रीन जब अच्छी है इसीलिए हमारी वो है, लेकिन स्पेशली हम लोग ज़्यादा टाइम सीन्स के अंदर ही बिताते हैं कि इस सीन को किस तरीके से करेंगे या क्या करना है हमें ताकि वो सीन वैसा ही निकल के आए जैसा लिखा गया है या उससे भी खूबसूरत निकल के आए। कूडोस टू अ बॉन्डिंग, यस, हाई फाइव। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने अभिनीति माने अभिमन्यु और नियति को ढेर सारा प्यार दिया है, आप ऐसे ही हमें और भी ज़्यादा प्यार आगे देते रहिए क्योंकि आपका लव एंड सपोर्ट हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हैं तो हम हैं, अगर तुम ना होते नहीं होता, अगर आप लोग नहीं होते आप लोग हैं, तो अगर तुम ना होते हैं आप लोग हैं तो हम दोनों हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ देखते रहिए अगर तुम ना होते और हमें ढेर सारा अपना प्यार देती रहिए, तभी हमारे जो 100 एपिसोड्स हैं वो आगे 200, 300, 400 ऐसे ऐसे करते 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 इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे। यस, सब कुछ तो बोल दिया है नीति ने, आई थिंक मतलब मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि आज तक आप जैसे हमें प्यार देते आए हैं हमें बस वैसे ही प्यार करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो फर्स्टली कॉन्ग्रेट्स बोलना चाहूँगी, 100 एपिसोड कंप्लीट कर लिया आपने, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, किस तरह की फीलिंग है ये 100 एपिसोड कंप्लीट करने के लिए? ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत कम शोज़ होते हैं जो एक एक बेंचमार्क क्रॉस करते हैं, और 100 एपिसोड्स क्रॉस करना एक अपने आप में बेंचमार्क होता है, और ये बताता है कि हमने जो मेहनत की है, हम जिस लगन से हमने काम किया है, लोगों को पसंद आया, उन्होंने हमें प्यार दिया है, और आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हमने 100 एपिसोड्स क्रॉस किए हैं, और हम यही होप करते हैं कि आगे चल के और 200, 300 लोगों का और प्यार मिले और हम उन्हें और एंटरटेन करें। सो जो आपका कैरेक्टर है वो भी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, मतलब जिस तरह से आप कैरेक्टर निभा रहे हैं ऑडियंस रिलेट कर पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रही है, उसको लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे, कितना चैलेंजिंग या फिर कितना एंजॉय करते हैं अपने कैरेक्टर में? एज एन एक्टर मैं बहुत इंजॉय करता हूँ अपने कैरेक्टर को, बिकॉज जो मेरा कैरेक्टर है वो टोटली डिफरेंट है जो मैं हूँ। मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन इस कैरेक्टर की एक अपनी बैक स्टोरी है जिसकी वजह से वो अपनी माँ से थोड़ा खफा है, थोड़ा नाराज़ है, और वो उतना पसंद नहीं करता है, तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एज एन एक्टर, वो एक चैलेंजिंग है कि आप ऐसा किरदार निभा रहे हो जहाँ पर आप टोटली ऑपोजिट हो, ऊपर से इस कैरेक्टर के बहुत सारे लेयर्स हैं, इसके खुद के इमोशंस हैं, इसका खुद का एक बैगेज है जो लेके आ रहा है, तो एक परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आता है, दूसरा कुछ नया करने के लिए मिलता है। तो फॉर एन एक्टर जब आपको एक चैलेंजिंग रोल मिलता है तो आप खुद को भी बहुत एक्सप्लोर करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको मज़ा आता है अपने काम में, तो सबसे ज़्यादा जब आप मज़ा लेने लगते हो तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा काम करते हो और लोगों को भी अच्छा लगेगा, रिलेट कर पाएंगे उससे। तो अभी तक अगर शूटिंग की बात की जाए तो क्या कुछ बेस्ट सीन रहा है आपके लिए?
एक सीन खास कर जिसके लिए मुझे बहुत सा एप्रिसिएशन मिला था, और वो एक सीन था जहाँ पे मैं अपनी माँ को इमोशनली ब्लैकमेल करता हूँ कि मैं खुद को शूट कर लूँगा अगर आपने जाके मेरे बारे में या मेरा राज बताया अभिमन्यू को। तो वो सीन मेरे दिल के काफ़ी करीब है, बिकॉज काफ़ी अच्छा सीन हुआ था वो। ओके, जाते-जाते ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहूँगा? मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगा, सबसे पहले थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, जो हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम इसी मेहनत और लगन से काम करेंगे, आपको एंटरटेन करेंगे, और आप प्लीज़ अपना प्यार हमें देते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।